गाइज, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं, ताकि जैसे ही वो अंधेरे में जाएं, उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, दो लाइफ सेविंग हैक आप लोगों से शेयर करता हूं। नंबर वन, अगर आपको मच्छर काट जाए और बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, इन दैट केस आप नेल पॉलिश लो और उस जगह पे वो नेल पॉलिश लगा लो, आपकी खुजली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। नंबर टू, अगर आप प्याज काट रहे हो और बहुत ज्यादा आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इन दैट केस आप च्यूइंग गम चबा के प्याज काटिए, आपकी आंखों से आंसू आने बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इन हैक्स को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ लोगों को भी फायदा पहुंचे। थैंक यू। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की, तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना, और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया, और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं, बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे, और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे? ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी? तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है, और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है, और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है, और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। न्यूजीलैंड पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है। 50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया, और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today there are no active cases in New Zealand. यहाँ न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार होता देख सकें। इस COVID-19 के टाइम पे अगर आपने किसी को कॉल किया हो तो अक्सर आप लोगों ने ये कॉलर ट्यून जरूर सुनी होगी। कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर मेरा सवाल ये है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज है तो है किसकी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ।
ये है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के हर फोन के लिए इस कॉलर ट्यून को यूज किया जाने लगा। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।